दोस्तों, एक साथी का कमेंट आया हुआ था कि सर, शायद उनको इस सवाल का इस यह सवाल जो है इंटरव्यू में पूछा गया होगा कि ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है वह अगर हम लोहे की बनाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अगर आप लोहे की कोर लगाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, क्या है कि जब ट्रांसफार्मर की कोर की डिजाइन की जाती है तो वह ई एंड आई इस रूप में जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसकी डिजाइन की जाती है कि उसमें करंट का फ्लो ना हो सके, परंतु यह एक लूप की तरह कार्य करता है। यह जो होता है यह एक लूप की तरह कार्य करता है, लेकिन इसमें करंट का फ्लो ना हो, इस तरह से यह बनाया जाता है। और जो म्यूचुअल इंडक्शन के कार्य में सहायक होता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, तो यह म्यूचुअल इंडक्शन में यह कोर सहायक हो। इसी कारण से इसमें कुछ करंट का भी फ्लो होता है जब म्यूचुअल इंडक्शन होता है, क्योंकि जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फ्लो होगी तो वहां पर कुछ ना कुछ धारा का प्रवाह जरूर होगा। इसी मतलब यह जो धारा का प्रवाह होता है इसी धारा को हम एडी करंट कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसकी कुछ और विशेष जानकारी देख लेते हैं कि लेमिनेटेड कोर जो इसके उपयोग होता है, पहली बात तो हम लेमिनेटेड कोर को समझ लेते हैं कि क्यों उसको लगाई जाती है, तो अपने आप लोहे वाला कोर क्यों हम ना लगाएं यह भी समझ में आपको आ जाएगा कि लेमिनेटेड कोर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी में जो भी एनर्जी ट्रांसफार्म होती है, मतलब ये हमारी प्राइमरी है और ये हमारी सेकेंडरी है, तो यहाँ बीच में कोर होती है ना, तो यहाँ से जो एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफार्म होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाती है, वो सफलतापूर्वक चली जाए और उसमें लॉसेस कम से कम हो, इसलिए लेमिनेटेड कोर का उपयोग किया जाता है। एडी करंट के कारण एनर्जी लॉस, ट्रांसफार्मर कोर का गर्म होना, हिस्टेरेसिस लॉस, ये सारे लॉसेस को कम करने के लिए हम कोर का उपयोग करते हैं जो कि लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड का, अब जानिए लेमिनेटेड का क्या अर्थ होता है कि देखिए, सिलिकॉन स्टील में अधिकांशता जो हमारी सिलिकॉन स्टील होती है उसमें मैक्सिमम 93% के आसपास तक या इससे भी ज्यादा लोहा होता है। ठीक है, इसमें लोहा होता है। सिलिकॉन इसका दूसरा घटक है, मतलब पहले तो इसमें लोहा होता है, उसके बाद सेकेंडरी चीज में सिलिकॉन आती है जो इस इस्पात की मतलब ये जो लोहे से सिलिकॉन को मिला करके जो इस्पात बनाया जाता है, इसके कारण से इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वह बहुत बढ़ जाती है अगर लेमिनेटेड हो गया तो। और विशेष चुंबकीय गुण भी इसमें आ जाते हैं। इसमें जो ये ई और आई, जो ये दो प्रकार की जो लेमिनेटेड कोर बनाई जाती है, इसको चिपका करके हम एक गुच्छा टाइप में बना देते हैं, एक गुच्छा टाइप में बन जाता है। इनका रेजिस्टेंस जो होता है वह लेमिनेटेड होने के कारण, जो नॉन लेमिनेटेड होता है उससे इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मतलब जो लेमिनेटेड होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और नॉन लेमिनेटेड का जो रेजिस्टेंस होता है वह इसकी अपेक्षा कम होता है, और इसी कारण से इसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। अगर हम लोहे की कोर बनाएं तो इसमें लॉसेज इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ट्रांसफार्मर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा हीट होने लगेगा, क्यों? क्योंकि उसमें धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा होने लगेगा। लेमिनेटेड रहता है इसलिए उसमें धारा का प्रवाह कम से कम होता है या ना के बराबर होता है, लेकिन अगर आप लेमिनेटेड नहीं रखेंगे, लोहे का प्योर रखेंगे, तो उसमें धारा का प्रवाह इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसमें एडी करंट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि पूरा ट्रांसफार्मर हीट होकर के जल भी सकता है और जल ही जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको हम शुद्ध लोहे का नहीं बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस साथी ने इस टॉपिक पर कमेंट किया था उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और दोस्तों, एक मेरा दूसरा भी चैनल है जिस पर बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, बनाता हूँ वीडियो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।